दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। पूरे 90 वर्षों के बाद 3 जुलाई दिन सोमवार को दिखेगा आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का चांद। इन 4 राशि वालों की लगेगी लॉटरी। ये 4 राशि वाले हो जाएंगे इस दिन धन से माला माल। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार को आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग में अब 12 राशि में से 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। इन 4 राशि वालों की इस दिन यानी कि आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है, किस्मत चमकने वाली है इन 4 राशि वालों की। जी हाँ दोस्तों, खुद धन की देवी माँ लक्ष्मी अब इन 4 राशि वालों के घर इस दिन आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन पधार रही हैं, जिससे अब इन 4 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। और अब इन 4 राशि वालों के जीवन में आने वाली है माँ लक्ष्मी कृपा से अपार खुशियाँ ही खुशियाँ, जिससे अब इन 4 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों, वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है जिनकी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से 3 जुलाई दिन सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन बन रहे महालक्ष्मी योग से लॉटरी लगने वाली है। ये 4 राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 4 खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन 4 वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। मानव जाति के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने पहली बार मानव जाति को 4 वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए इन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है। साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 3 जुलाई दिन सोमवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन कई सारे शुभ योग एक साथ बन रहे हैं, कई ग्रहों की युति बनी हुई है। इस बार गुरुदेव मेष राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्रगत अवस्था में रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव मिथुन में और मंगलदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे। दोस्तों बता दें कि कई सारे राजयोग और धनयोग का निर्माण इस बार के गुरु पूर्णिमा पर बन रहा है। इस बार की गुरु पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जा रही है। इस बार की गुरु पूर्णिमा बहुत ही शुभ संयोगों में आ रही है। इस पावन दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष और अधिक महत्व होता है। जो लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं उन्हें अच्छे पुण्यफलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों आज के दिन आप सूर्य उदय से पहले उठकर और नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर लें। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेने से विशेष लाभ होता है। दोस्तों आषाढ़ मास में पड़ने वाली इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो होती है उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं और इसलिए इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। दोस्तों ये सभी पूर्णिमाओं में से सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन निकलने वाला चांद अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में काफ़ी बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, औसतन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चांद यानी कि इस आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा का चांद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों इस बार कई सारे अद्भुत शुभ संयोग बनने से कुछ राशियों की लॉटरी लगने वाली है। कुछ राशि वालों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है, जिससे अब इन राशि वालों के जो भाग्य के सितारे होंगे काफ़ी अच्छे होंगे
और माता लक्ष्मी कृपा इन राशि वालों पर भरपूर बरसने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करके उन्हें खीर का भोग जरूर लगाएं और अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। और अगर आप नहीं जा सकते अपने गुरु के पास तो अपने घर पर ही गुरु की अगर फोटो है तो उन्हें प्रणाम करके अपने मन ही मन उन्हें पुष्प वगैरह अर्पित करें। और साथ ही दोस्तों यथा योग संभव गुरु को आज के दिन दान जरूर दें और गुरु से गुरु दक्षिणा लें। जो लोग अभी तक गुरु दक्षिणा यानी कि जो गुरु मंत्र नहीं ले पाए हैं तो वो लोग अपने गुरु से गुरु मंत्र भी इस दिन ले सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। दोस्तों इस बार आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन बन रहे अद्भुत शुभ संयोग की वजह से कुछ राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है, कुछ राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ये भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है, जो करोड़पति बनने वाली हैं, लखपति बनने वाली हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वो है मिथुन राशि का। मिथुन राशि जातकों, बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग की वजह से अब आपकी किस्मत चमकेगी। माँ लक्ष्मी कृपा से अब आपका भाग्य उदय होगा, व्यापार में तरक्की होगी, कारोबार का विस्तार होगा, महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलता मिलने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। कार क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, कुछ महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे, जो कार्य आपके अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, विशेषकर इसमें आपको नई उपलब्धि प्राप्त होगी, नए कारोबार का विस्तार होगा, कई बड़े प्रमुख कार्य आपके बनते चले जाएंगे, जो कार्य आपके अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कारोबार का विशेष लाभ होगा, कुछ ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे। बता दें कि नए बिजनेस व्यापार में आपको माँ लक्ष्मी कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। अब अगली जो राशि आती है दोस्तों, बता दें दूसरी, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अब आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य का उदय होगा। बता दें कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, किसी बड़े संस्थान में दाखिला लेने का प्रयास करें तो लाभ होगा। विदेश जाकर किसी बड़े संस्था में दाखिला लेंगे तो आप उचित चुनाव सोच समझकर ही करें। साथ ही साथ बता दें कि घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करेंगे, इसमें आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ होगा, कई बड़े कार्यों में आपको उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, जो कार्य आपके अधूरे थे वो आपके पूरे होंगे। ये गुरु पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग की वजह से माँ लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे सभी बिगड़े हुए कार्य बनते चले जाएंगे, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, कारोबार का विस्तार होगा, महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ होगा, उचित निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ होगा। अब अगली तीसरी जो राशि आती है वो है मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, जो कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि नए घर का निर्माण कर सकते हैं, नई गाड़ी वाहन की खरीदारी कर सकते हैं और घर परिवार के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। अपने कार्य क्षेत्र में आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, कुछ अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। बता दें कि इसमें आप को कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका भी मिल सकता है। साथ ही बता दें कि जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे, माता लक्ष्मी कृपा से आपके करियर में सुधार होगा, साथ ही साथ अपने बलबूते कोई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, नया व्यापार शुरू करेंगे, नए बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की प्राप्त होगी, उचित आप निर्णय डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे, नौकरी में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। साथ ही इस दिन अपने कारोबार के लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ लेंगे। अब अगली चौथी राशि है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि के आपको बता दें कि इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी कृपा से बता दें कि अब आप अपने सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे, साथ ही एक समय आप लग्जरी लाइफ जीने का यानी कि लाभ ले सकते हैं, राजा जैसे जिंदगी जीने का आपको लाभ प्राप्त होगा, कई बड़े प्रमुख कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, जो कुछ कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण सफलता मिलने के लाभ मिलेंगे, कुछ ऐसे निर्णय लेंगे, कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, धन संपत्ति में लाभ होगा, कारोबार का विस्तार करेंगे, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों
इन चार राशियों पर अब इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। इन चार राशियों की किस्मत चमकेगी, इनकम आय में वृद्धि होगी, शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र से लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, बैंक से लोन वगैरह मंजूर होंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।